नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। तो आज के वीडियो में आपको एक माइक के बारे में बताऊंगा। तो आपको कौन सा माइक खरीदना चाहिए? वैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे माइक को शॉर्टलिस्ट कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये ब्लू का माइक। इसका नाम है पूरा ब्लू, इसकी कंपनी है स्नोबॉल, इसका मॉडल है स्नोबॉल आइस USB माइक। तो जब लगभग तीन साल पहले मैंने जो माइक खरीदा था तो मेरा ये वाला माइक था ब्लू का। तो अभी जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी इसी माइक से कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल यदि देखा जाए अभी मार्केट में और भी बहुत सारी नई कंपनियाँ आ चुकी है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको वो माइक दिखा रहा हूँ, जैसे कि ब्लू का स्नोवॉल आइस USB माइक हो गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे माउनो का ये 400 का जो कॉलर माइक होता है, उसके बाद में JBL का कॉलर माइक। तो JBL का कॉलर माइक भी मेरे पास ये वाला रखा हुआ है और मैं इसका यूज़ करता रहता हूँ, और ये वाला माइक भी मेरे पास रखा हुआ है। और ये माइक से तो मैं अभी फ़िलहाल आपको आपका ये जो वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसी माइक से कर रहा हूँ। तो ये जो माइक है ये USB माइक है, प्लग एंड प्ले है। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप अपने इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करोगे तो ये माइक अपना काम स्टार्ट कर देगा। रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया करता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक प्रकार से ये स्टूडियो माइक है। और इसकी प्राइस भी कोई कम नहीं है, प्राइस की प्राइस भी 4,500 के आसपास है। लेकिन जब मैंने ख़रीदा था जब से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस थी, 5,000 के आसपास मैंने ख़रीदा था इसको। लेकिन अभी ये आपको 4,500 में मिल जाएगा अमेज़ोन पे। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का वीडियो होने वाला है कि आपको कौन सा माइक ख़रीदना चाहिए, किसकी क्वालिटी अच्छी है, और आपको ओवरऑल बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं दोनों माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास टोटल 3 माइक है ये वाले। इसके पहले एक मेरे पास आहूजा का माइक था कॉलर माइक, वो ख़राब हो चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता, लेकिन वो अमेज़ोन पे अभी फ़िलहाल मैंने ढूंढा था तो मुझे मिला नहीं। तो ये जो माइक है माउनो का AU400 माइक्रोफोन जो है, तो इसके साथ में आपको एक कनेक्टर मिलता है जो इस प्रकार से, जहाँ पर मैं आपको माउस का एरो से दिखा रहा हूँ। तो ये कनेक्टर का यूज़ करके आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो वाली पिन होती है ये आपके लैपटॉप में या मोबाइल की उसमें कनेक्ट हो जाती है। तो यदि आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो डायरेक्ट ये पिन लगा के मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पिन का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा माइक होता है उसमें स्पीकर और माइक की दोनों एक ही पिन होती है, इसलिए इसमें 2-in-1 काम होता है। तो इसके लिए, और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ स्पेशल या तो स्पीकर की पिन उसमें अलग से होती है, मतलब उसमें दो पिन होती है, स्पीकर की अलग से होती है, माइक की अलग से होती है। तो ये जो पिन है ये माइक के लिए है, तो उसको आपको माइक वाले पोर्ट में ही कनेक्ट करना है। उसके आपके कंप्यूटर के जो CPU रहता है उसके पीछे की साइड आप मदरबोर्ड में देखोगे तो आपको वहाँ 3 माइक के होल मिलेंगे, जो 3.5 mm का जैक होता है वो 3 मिलेंगे। तो आपको ध्यान से कनेक्ट करना है, जो माइक वाला पोर्ट है वहीं पर कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से इसमें कनेक्टर दिया होता है, और इसकी कीमत है 370 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। तो ये जो खाली ये कनेक्टर है यही 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का आता है। तो उस हिसाब से माइक काफ़ी अच्छा है, और इसकी प्राइस रिजनेबल है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में मैंने एक और माइक ख़रीदा JBL का माइक। तो ये माइक ख़रीदने का सिर्फ एक ही कारण था कि मेरे को एक केबल, लार्ज केबल वाला माइक चाहिए था। तो इसकी केबल काफ़ी आपको लंबी मिलेगी केबल, जो बहुत सुविधाजनक होती है। लेकिन ये वाला माइक ख़रीदोगे इसकी केबल का जो साइज़ होता है, लंबाई होती है, वो काफ़ी कम है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया होता है यदि आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो। तो यदि आपके पास कैमरा वगैरह है तो आप ये वाला लेंगे माइक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों ही माइक की जो क्वालिटी है लगभग एक जैसी ही है, ज़्यादा अंतर नहीं आती है। इसमें आपको एक बोया का माइक भी मिलेगा देखने को, तो आप बोया का भी खरीद सकते हो। लेकिन बोया की माइक की जो केबल क्वालिटी होती है ये JBL की माइक की उससे ज़्यादा अच्छी है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैंने बोया का माइक भी देखा है लेकिन कभी उसका यूज़ नहीं किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे स्प्लिटर की। तो यदि आप इस टाइप के माइक का यूज़ करते हो तो ये, तो इसमें क्या होगा कि यदि आप गेम खेल रहे हो कोई सा, तो गेम में क्या होगा कि आप ये माइक कनेक्ट कर लोगे तो आपको फिर ऑडियो का दिक्कत हो जाएगा, तो आप ऑडियो कहाँ सुनोगे। तो इसमें आप इस प्रकार का स्प्लिटर यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें माइक दूसरी तरफ हो जाएगा और जो आपके हेडफोन है वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो आप गेम में माइक का भी यूज़ कर सकते हो और साथ में हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो ये जो स्प्लिटर है इनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन सभी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद में जो मैंने एक और माइक को शॉर्टलिस्ट कर रखा है, तो ये USB माइक है, प्लग एंड प्ले है, सिंपल माउनो का है। माउनो कंपनी अभी की जो कंपनी चल रही है जो आपको कम कीमत पे एक बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसका माइक देखे है, यूज़ भी किए हैं, इनके ट्रायल के रूप में मैंने यूज़ किया है। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगे माइक से कंपेयर कर रहे हो, जो इसका प्राइस है जैसे ये 1900 का प्राइस का, लगभग 1900 का प्राइस है, तो आप इसकी जो क्वालिटी जो इससे एक्सपेक्ट करोगे ना तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो मैं तो आपको पहले यही कहूँगा कि आप पहले ये वाला माइक ले लीजिए। आप यदि इंट्री लेवल माइक देख रहे हो या आप
आप गेमिंग कर रहे हो या पीसी में रिकॉर्डिंग के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए भी यूज़ करते हो, तो ये माइक काफ़ी अच्छा है। और आप महंगे माइक खरीदने से पहले आप इन माइक से भी ट्राई कर सकते हो, यदि आपके पास यदि बजट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने कुछ माइक सेलेक्ट कर रखे, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो इन माइक की ज़्यादा डिटेल्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स मिलती है। फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने पूरी फ्रीक्वेंसी नहीं बताई है, ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप माइक का यूज़ करते हैं, यदि आप रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, जैसे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको आपको एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड करना पड़ता है, और वहाँ पर जो आप एडिटिंग करते हो उससे साउंड क्वालिटी बनती है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक अच्छा माइक की ज़रूरत होती है। तो ये जो माइक है स्टूडियो माइक होता है, व्लॉगिंग माइक भी इसमें लिखा है, गेमिंग माइक भी लिखा है, काफ़ी अच्छा माइक है। तो इसके बाद हम एक और माइक की बात करेंगे, माउनो की। इसके बाद और भी माइक है, मैं आपको सब दिखाऊंगा समय अभी इस वीडियो में। तो ये जो माउनो का जो माइक है ये वाला, तो बस इसमें थोड़ा सा बजट बढ़ गया है, क्वालिटी ऑब्वियसली क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर इसका जो प्राइस बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपके साथ इस माइक के साथ में पूरा एक किट मिलता है आपको। तो आप देख सकते हो किट में आपको क्या क्या मिलेगा। स्टैंड मिलेगा इसमें आपको, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसमें एक स्टैंड मिल जाएगा आपको, एक फ़िल्टर मिल जाएगा इसमें, और ये माइक है, और बाकी स्टैंड भी मिल जाएगा आपको। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, ऑफ़र में सब मिल रहा है। तो ये जो माइक है इसके साथ में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें आपको एक स्प्लिटर भी मिल जाएगा, तो ये स्प्लिटर कहाँ काम आने वाला है, आपके लैपटॉप में काम आने वाला है, माइक्रो आपके मोबाइल फ़ोन में भी काम आने वाला है। तो ये माइक आपके मोबाइल में भी चल जाएगा, कंप्यूटर में तो चलेगा ही चलेगा, और काफ़ी अच्छा। ये USB माइक नहीं है, आपको ध्यान देना है, इसमें आपको USB माइक नहीं है। तो ये माइक का आप यूज़ करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमें आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के माइक को चलाने के लिए एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। तो ये माइक आप लास्ट में देखिएगा, यदि आपके पास इसके पास सिस्टम है, आपके पास एम्पलीफायर है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये जो माइक है माउनो का, जो 5000 की रेंज में आता है, तो ये जो माइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो यदि आप प्रो लेवल की गेमिंग स्टूडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो या आपका बजट इतना अलाउ करता है, तो आप ये माइक खरीद सकते हो। जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ती है तो वैसे इसमें क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो ये जो माइक है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिल सकते हैं। यदि आप इसको लैपटॉप में कनेक्ट करना है तो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है, यदि आपको हेडफोन कनेक्ट करना हो सिर्फ माइक में, तो इसमें माइक भी कनेक्ट, हेडफोन भी कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कनेक्टिविटी आप इसमें बताया है, तो आप देख सकते हो इसमें आपको जो वॉल्यूम का जो गेन होता है, कितनी आप इसमें इसका जो गेन लेवल होता है कि कितनी आवाज़ पीक करेगा ये, तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ सुविधा मिल रही है आपको एक। तो इसमें एक प्लग इन प्ले वाला है, टाइप सी आपको इसमें मिल रहा है, तो जो आपको कंप्यूटर में आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यदि आप मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हो तो OTG केबल से मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाएगा। तो OTG केबल की भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो ये मीवी की OTG केबल अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी आपको। इसके बाद में बात करेंगे हम AKG P120 माइक की। तो ये 7500 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, बजट ओवर चला जाएगा यदि आप बजट के लिए ख़रीदना चाहते हो तो। लेकिन ये जो क्वालिटी है इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस माइक की। AKG जो कंपनी है, एक हरमन कंपनी है, जो JBL हरमन कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो JBL इन्फिनिटी जो आपने नाम सुना होगा वो इसी कंपनी का ही एक पार्ट होता है। तो एक आपको बहुत बढ़िया कंपनी मिल जाएगी इसमें, लेकिन इसका प्राइस भी ज़्यादा है, इसका आपके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद में HyperX का भी माइक है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन HyperX कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इसका भी आप माइक एक बार कंसिडर कर सकते हो कि आपको ये माइक लेना है कि नहीं लेना। ये भी USB माइक है, प्लग एंड प्ले माइक है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं बड़े माइक, जो प्रोफेशनल माइक है, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ब्लू यति का माइक का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी USB माइक है, प्लग एंड प्ले वाला माइक है, सिंपल है, काफ़ी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे कई यूट्यूबर है जो इसी माइक का यूज़ करते हैं। और इस माइक की जो क्वालिटी है बहुत हाई लेवल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी, और काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में JBL का नया प्रोडक्ट है, तो इसमें भी आप थोड़ा देख सकते हो, वैसे इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हो, इसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब माइक आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यही वाले माइक आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे माइक हैं। ये माइक मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये माइक सब मुझे पसंद है। यदि मुझे अभी कोई माइक में अपग्रेड करना होगा तो इन्हीं माइक में से मैं किसी एक माइक को अपग्रेड करूँगा। यदि मैं किसी को सजेस्ट भी करता हूँ तो इन्हीं माइक में से सजेशन रहता है मेरा कि आप ये अलग खरीद लो, आपके जो बजट है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं माइक के बारे में, तो मैं उनका बजट पूछता हूँ कि आपका बजट कितना है, उसके बाद में आप उनको मैं माइक के बारे में बता देता हूँ कि आप ये खरीद सकते हो माउस माइक वगैरह। तो माइक आपको कम शब्द में बताऊं तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए, माइक आपको वो खरीदना चाहिए जो प्लग एंड प्ले हो। यदि आप कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हो तो आप USB माइक खरीदिए, बाकी और कोई सा माइक आपको नहीं खरीदना, आपको USB माइक खरीदना और एक बढ़िया कंपनी का रिलायबल माइक खरीदना है।
तो जैसे ये जो माइक है इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये माइक आपको नहीं ख़रीदना है, तो ये माइक आप बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि ये USB माइक नहीं है और प्लग एंड प्ले वाला आसान वाला काम नहीं होता है। तो ये माइक मैंने सिलेक्ट क्यों कर रखा है, मैंने इसीलिए सिलेक्ट करके रखा है कि आपको बता दूं कि इस टाइप के माइक आप यदि ख़रीदते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये माइक डायरेक्ट चलने वाले नहीं होते हैं, इनको एक प्रकार का एम्पलीफायर या इनका साउंड कार्ड आता है उसके द्वारा इसको चलाया जाता है, थोड़ी इसमें पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट करोगे तो इतने ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आपको नहीं मिलने वाली और ऑडियो का लेवल भी काफ़ी कम होने वाला है। तो ये माइक को हम साइड में कर देते हैं। इसके बाद में जितने भी USB माइक है जो कंप्यूटर के लिए आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, यदि आप मोबाइल के लिए या लैपटॉप के लिए खरीदना चाहते हो, लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लैपटॉप में तो आपके दोनों प्रकार के माइक कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ये जो 3.5 mm का माइक जो कॉलर माइक है ये भी कनेक्ट हो जाएगा और बाकी USB माइक भी कनेक्ट हो जाएगा, तो लैपटॉप में तो किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। बस ये मोबाइल का था, तो मोबाइल के लिए आप यदि गेम के लिए गेम खेलते हो तो ऐसा स्प्लिटर खरीद लीजिए, और यदि मोबाइल में आप USB माइक कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा इस प्रकार का OTG खरीद लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो था, मैंने वीडियो में बिल्कुल सिंपल आपको समझाया कि माइक के बारे में, ऐसा ऑडियो चेक करके माइक ख़रीदना वो इतना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम उतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है अभी, तो माइक की जो क्वालिटी वो एडिटिंग वगैरह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। माइक एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए और बाकी माइक में आप कितनी दूर से रिकॉर्ड करते वो भी डिपेंड करता है। अभी मैं ब्लू स्नोबॉल आइस USB माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं माइक के जो माइक और मेरे बीच में जो दूरी है वो लगभग 2 इंच की दूरी, 2 से 3 इंच की दूरी है, तो उस हिसाब से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यदि मैं थोड़ा और दूर हो जाऊँगा तो ऑडियो की जो फ्रिक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी, और ज़्यादा पास आ जाऊँगा माइक के तब फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा जो बहुत से यूट्यूब पर चेक करके बताते हैं वो एक तरीका अच्छा है, लेकिन उससे हम ये जज नहीं कर सकते कि क्वालिटी कैसी क्या है, उससे फ्रिक्वेंसी जज नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंसी के लिए तो जो माइक की कंपनी है वही हमको एक फ्रिक्वेंसी का चार्ट देती है कि इसकी फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से, तो बस वही होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आ रहा है आपको ये वीडियो, आपको कुछ समझ में आया मैंने जो आपको जो जानकारियाँ दी, जो एक्सप्लेन किया, जो एक्सपीरियंस जो मेरा था, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा, और ये वीडियो आपने पूरा देखा उस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।